मैं तो हमेशा लाइफ टाइम तक बहन जी के साथ हूँ, बीएसपी के साथ हूँ। भाजपा जो है जातिवाद सरकार है, धर्मवाद सरकार है, वो जाति की और धर्म की राजनीति करती है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सब धर्म के सर्व समाज की पार्टी है, तो इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस वाले तो 70 साल से राज कर रहे हैं आज तक, जो हमारा देश अभी भी आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है वो कांग्रेस की ही देन है, गांधीवाद की ही देन है। अगर हमारे देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान के हिसाब से जो देश अभी चल रहा है, पर लेकिन ये मनुवादी सरकार के लोग पूरी तरह से इसको लागू नहीं करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, तबादला कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इनके मैं बहुत खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं कांग्रेस के विरुद्ध। अगर बहन जी की सरकार आती है, बहुजन समाज पार्टी आती है, तो मैं पक्का कहता हूँ आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उस दौरान बहन जी के रहते हुए यूपी का सारा गुंडागर्दी सब भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया था, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया था यूपी। इसी प्रकार अगर बहन जी की सरकार आती है, बहन जी प्रधानमंत्री बनती है, तो भारत के अंदर आतंकवाद भी बंद हो जाएगा और गुंडागर्दी सब बंद हो जाएगी।